हेलो एवरीवन, आज मैंने ये जो पैटर्न तैयार किया है ये है कश्मीरी टांके से। कश्मीरी टांका बिल्कुल चेन स्टिच की तरह होता है कि चेन इधर से इधर जाती है, फिर इधर वो कलरफुल बना लें, एक कलर का बना लें जैसे मर्जी। तो इसको हम इसी तरह ये सारा चेन स्टिच से हम इसको बनाएंगे, लेकिन ये कश्मीरी टांका कहलाएगा। जो ऐसे साथ साथ जोड़ के बन जाता है तो वो कश्मीरी टांका इसको कहते हैं। तो इसको बस हमने इसी तरह ये चेन्स बनानी है इसकी। इस लाइन को खत्म करने के बाद हम फिर इधर से ही शुरू हो जाएंगे और इसको पूरा फिल करेंगे। हम डिफरेंट कलरों से भी कर सकते हैं और सेम कलर से भी हम कर सकते हैं, तो जैसे आप लोगों का दिल चाहे आप बना सकते हैं। तो ये हम यहाँ ख़त्म करके तो दोबारा इसको हम यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन दूसरे कलर की तरफ से। और ये ज़रूरी नहीं कि आप इधर से शुरू किया है तो सारी लाइनें आपने इधर से शुरू करनी है। अगर इधर से भी शुरू करनी है वो भी ठीक है, इधर से जाके इधर भी इसी तरह वापस आ सकते हैं, तो इसका कोई वो मसला नहीं होता, क्योंकि ये चेन इसी तरह बनती है, इधर जाके ऐसे इसको फिल किया जाता है। तो हम इसको इसी तरह ये वापस लेके आएंगे। आप सेम कलर भी ले सकते हैं, उसमें लाइट एंड डार्क भी लगा सकते हैं कि अगर आपने रेड लिया उसे थोड़ा सा लाइट, या पिंक लिया तो पिंक और फिर उसे लाइट थोड़ा सा और उसे लाइट, इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लाइन को ख़त्म करने के बाद हम यहाँ से फिर दोबारा शुरू करेंगे। अब हम इस साइड पे जाएंगे, इसी तरह हमें ये पूरा इधर से जाके जितनी मर्जी यहाँ पे हम कलर लगा सकते। अब यहाँ पे हम यहाँ पे फ्रेंच नॉट बनाएंगे जैसे ये बनाई है। इसको इस तरह बनाएंगे। ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ये स्टिच निकाला है, तो इसको यहाँ से लगा के इस तरफ लेके जाएंगे और इसको नीडल के ऊपर से घुमा के ऐसे लेके आएंगे इस तरह। फिर यहाँ से हमने स्टिच लेना है, इधर लेके आना है, तो नीडल के ऊपर से घुमा के ऐसे फिर ये जो है इधर से इधर जाएंगे और नीडल के ऊपर से घुमा के धागे को ऐसे लेके आना है। इस तरह और फिर इसको यहाँ से यहाँ पे इसी तरह ये हमने ये सारी चेन बनानी है। यहाँ सिर पे ख़त्म करने के बाद फिर हम नीचे से शुरू करेंगे इसको, यहाँ से इस तरह। ये हमने यहाँ से शुरू करना नीचे से।
अब ये लीप बन गया है। अब इसके अंदर हमने येलो कलर के धागे से हम इसके अंदर पे ये एक लाइन लगा देंगे यहाँ पे चेन स्टिच की, और सेम इसी तरह का एक इधर भी बनेगा। यहाँ पे हम चेन स्टिच बना देंगे, को मुकम्मल करने के बाद हम ये इसकी बैक स्टिच बना के इसकी आउटलाइन बना देंगे। अब ये कंप्लीट हो गया, सेम इस तरह का इधर बनेगा और एक सेम इस तरह का इधर बनेगा। ये भी कश्मीरी टांके से यानी चेन स्टिच से बना के सेम ऐसा बनाना है। अब हम ये वाला लीप बनाएंगे। इस लीप को बनाने के लिए हमें दो कलर इस्तेमाल करेंगे, एक थोड़ा सा लाइट और डार्क। ये एंकर के धागे हैं, मैंने इसके ऊपर लपेटे हुए हैं। ये थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट है। जैसे कि मैंने बनाया, जो चीज़ ऐसे आपने नुमाया करनी हो कि ये ऊपर की तरफ आ रही है, ये इसको डार्क बना देते हैं। ये जो अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको ये जो इस साइड पे जो सामने की तरफ होता है वो थोड़ा लाइट होता है, और जो अंदर की तरफ ये जा रहा होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, उसको नुमाया करने के लिए। इसलिए ये यूँ लग रहा है ये पत्ता ये मुड़ा हुआ। इसी तरह ये बनाएंगे, ये हम ऊपर से ये इसको लाइट कलर का बनाएंगे, ये डार्क, ये जो मैंने डार्क लाइन खींची है इसको हम ये गहरे कलर से इसको बनाएंगे। ये गहरे कलर से बनाएंगे ये वाली लाइन, और यहाँ से ये वाला इतना पोर्शन, और ये जो हम लाइट कलर से बनाएंगे ये अंदर से भी ये सारा लाइट कलर से बनाएंगे। तो अब हम पहले लाइट कलर के धागे से ये शुरू करते हैं। इसी तरह हमने चेन स्टिच ये करनी है, ये कश्मीरी टांके से। तो हम इसको यहाँ से शुरू कर लेंगे, दरमियान में से इतना पोर्शन जो ये हमें लाइट बनाना है। तो ये उसी तरह चेन स्टिच से हम इसका ये कश्मीरी टांका लेंगे। जब ये बन जाता है तो इसको कश्मीरी टांका बोल दिया जाता है, लेकिन होता ये चेन स्टिच की तरह ही है। मोस्टली स्टिच एक दूसरे से बनाने का स्टाइल एक होता है, लेकिन फिर जब ये डिज़ाइन बन जाते हैं तो इसके स्टिचेस ये डिफरेंट इनका नाम हो जाता है। तो इसको हम इस तरह बनाएंगे। हम इसको इस तरह बनाएंगे, ये लाइन एक बन गई है। अब हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये वाली जब लाइन बनेगी, ये वाली लाइन जब बनेगी तो हम इसको बनाएंगे, इस लाइन को, इस वाली लाइन को हम ऐसे बनाएंगे। तो इस वजह से इसको छोड़ दिया। अब ये हमारा लाइट कलर के धागे से ये कंप्लीट हो गया। अब डार्क कलर के धागे से इधर से हम करेंगे, और उससे पहले हम ये येलो लाइन यहाँ पे एक बनाएंगे चेन स्टिच से। ये येलो धागे से हम ये यहाँ पे वो बना देंगे। तो इसको हम चेन स्टिच से यहाँ पे एक लाइन सी बना देंगे। इस लाइन को बनाने के बाद ये अब हम डार्क, थोड़ा सा डार्क, ये बहुत मामूली सा फर्क है, सिर्फ ये शेड देता है कि ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क है। तो अब हम ये डार्क वाले धागे को इस्तेमाल करेंगे और ये इसका हम बनाएंगे इसको इसी तरह से। Thank you.
अब हम सबसे पहले ये इसको ला के इधर तक करेंगे और उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हम ये एक लाइन ऐसे और एक दो लाइनें ये बनाएंगे। अब ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो ये है हमारा कश्मीरी टांके का पैटर्न। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, ये मैंने आज एक डिज़ाइन बनाया है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है। इसका ये मैंने पैटर्न तैयार किया है और इसको मैंने कैसे तैयार किया है। ये सबसे पहले मैंने एक ये हॉट काटा, उसको मैंने ऐसे इसको ट्रेस किया है। उसके बाद मैंने एक ये इधर ट्रेस कर लिया और उसके बाद मैंने ये मैंने एक ये लीप काटा, ये इसको मैंने यहाँ पर ट्रेस कर लिया और उसके बाद इस हार्ट को मैंने यहाँ पर रख के, ये जो है ये हाफ हार्ट है, ये इसको यहाँ रख के मैंने ऐसे ट्रेस किया, एक इधर और एक इधर और उसके बाद एक इधर एक इधर। ये मैंने ट्रेस करने के बाद मैंने इसमें ये वाली ऐसे करके लाइन लगा दी और इसको मैंने यहाँ से मैंने कलरफुल भर दिया। तो ये बहुत ईजी है, अगर आप इसी तरह काट के आप बनाएं डिज़ाइन, अपने डिज़ाइन आपके बनेंगे। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि ये मैंने कैसे, ये बटरफ्लाई स्टिच है जो मैंने यहाँ पे बनाया है और ये जो मैंने लाइन लगाई है ये भी मैंने खुद ही यू करके लगा दी और मैंने ये वाला स्टिच बनाया है यहाँ पे, ये बटर होल स्टिच का मैंने ये बना के तो ये स्टिच किया है। तो अब हम बटरफ्लाई बनाएंगे, ये बटरफ्लाई स्टिच बनाएंगे। ये हम ये देखें यहाँ से शुरू किया है हमने, ये मैंने वूल के थ्रेड लिए हैं। तो अब हम इसको ऐसे ऐसे शुरू करके इधर से, तो हम इसको छोटे छोटे हमने स्टिच ले लिए इस तरह ले लेंगे। इस तरह लेने के बाद अब हमने एक इधर को जाना है और फिर इधर को आना है। अब इसको हम यहां से ऐसे स्टिच लेंगे ऐसे। ये वूल का थ्रेड है, ये बहुत तंग करता है, इसको ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद इसको यूं ऐसे ऐसे हमने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है और इधर से हमने साइड की तरफ आना है ऐसे, और इसके बाद हम फिर ये ऐसे स्टिच लेंगे। छोटे छोटे से लेने हैं, तो आप जो भी समझे धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है तो वूल के इस्तेमाल किए, आपको और भी धागा इस्तेमाल एंकर का कर लें, डीएमसी का कर लें, जो भी मर्जी कंपनी का कर लें, जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आप पसंद हो। तो इस तरह ये हमने इसको इसी तरह ये बनाना है। ये देखिए ऐसा सा हमारे लिए बटरफ्लाई की तरह ये स्टिच बन रहा है, तो इसी तरह हम इसको ऐसा ऐसा आगे लेके जाएंगे इस तरह। इसी तरह ये पूरा तैयार करना है और इस तरह ये हमारा ये तैयार हो गया हार्ट, ये है बटरफ्लाई। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने कैसे, हम इसको बटन होल स्टिच से ऐसे बनाएंगे। इस तरह हमने छोटा बड़ा जैसे शेप टांग करते हैं उस तरह हमें इसको बनाना है, वैसे भी साथ साथ छोटे छोटे स्टिच लेने हैं इस तरह।
इस तरह हम स्टिच लेंगे। इसके अंदर फिर हम ये दूसरे कलर का धागा यूज करेंगे। इसी तरह हमें ये ऊपर तक बनाना है। इसी तरह हमें ये सारा यहाँ पर इसका शेप बनाने के लिए थोड़ा सा डार्क कलर का धागा लेंगे और इसको हम ऐसे सिंपल हमने इसमें स्टिच लगानी है ऐसे। बस सिंपल स्टिच लगा के इसको जहां जहां पे स्टिच नहीं है वहां पे हमने इसको जाके इसको खत्म करना है। जहां तक हमें खाली जगह नजर आ रही है इसको वहां तक हम लेके जा सकते हैं। जैसे ये है इसको हम यहां भी लेके आ सकते हैं। इसी तरह ये सारा ये फिल करना है। इस तरह से ये हमारा लेप कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी लाइन लगा सकते हैं। और उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। ये मैंने सिंपल ये साटन स्टिच से ये मैंने बनाए हैं। तो इसी तरह ही ये बनेंगे। आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे। डबल धागा लिया, ये वाला मैंने लेप में सिंगल धागा लिया और यहाँ पे मैंने ये भी डबल लिया और ये भी डबल ले रही हूँ। तो इसको हम इसको इस सिंपल तरीके से हम बनाएंगे साटन स्टिच से ऐसे। इस तरह हमने बनाया। जिस तरह हमने बनाया है इसी तरह ही कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम ये बनाएंगे। ये बटन होल स्टिच जो मैं आमतौर पर आप लोगों को सुखा भी चुकी हूँ। तो इसको हम नीडल को यहाँ से यहाँ लगाएंगे। ये मैंने बारीक नीडल यूज की है। आप मोटी नीडल भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो इसको 10 टाइम हम ऐसे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 और हम इसको बाइंड कर लेंगे इस तरह। इसको हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। एक स्टिच यहाँ पर और एक स्टिच हम यहाँ पर लगा देंगे। स्टिच लगा दिया। इसी तरह हम एक यहाँ पे बनाएंगे और एक यहाँ पे ये बनाएंगे और उसके अंदर यहाँ पे हम फ्रेंच नॉट बना देंगे। और ये जो हमने बनाया है ये बैक स्टिच से मैंने ये आउट लाइन बनाई है और ये बैक स्टिच से बनाना है। यहाँ पे हम फ्रेंच नॉट बनाएंगे 1, 2, 3 ऐसे। अब हम इसकी ये बैक स्टिच बनाया है। यहाँ पे ये हमने फ्रेंच नॉट बना दिया है। तो इसको हम बैक स्टिच इस तरह बनाएंगे। इस तरह स्टिच आगे लेके इसको दोबारा हमें पीछे आना होता है ऐसे। इस तरह ये है। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है।
इसको हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर हमें शीशे वगैरह का काम करना है तो यहाँ पे हम शीशे वगैरह लगा सकते हैं, इस पे और ज्यादा डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये आप फ्लावर अगर ये वाला बनाएंगे जगह जगह पे और इसको इसी तरह लाइन से और आगे शुरू कर लेंगे तो ये बेल की सूट भी बन सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसे लगाते हैं कि अल्लाह हाफिज़।